नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को एशिया भवन में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। जानकारी देते हुए एशिया अध्यक्ष संतोष खेतान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 700 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। नहीं, एशिया अपने औद्योगिक दायित्वों के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन में सदैव अग्रणी रहता है और ये कैंप का आयोजन एशिया 1990 से करा रहा है, लेकिन कोविड के कारण से पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाया था। तो सभी सदस्यों का एक मत से निर्णय था कि जो ब्लड डोनेशन की अपनी परंपरा है और ये औद्योगिक क्षेत्र के जितने भी वर्कर अपने जो कामगार है उनके साथ में एक पारिवारिक भाव बना रहे और उनके दुख तकलीफ में हम खड़ा रहे और इसी उद्देश्य से उनके ये रक्त की ज़रूरत के समय हम लोग पूर्ति कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्री के मालिक तो अपने आप में सक्षम रहते हैं, लेकिन एक वर्कर के समक्ष एक चुनौती रहती है कि जब उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ से प्राप्त करे। तो ये पूरा का पूरा जितना भी डोनेशन के माध्यम से हमको रक्त मिलता है वो हमारे कामगारों के काम में आता है। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य हम लोग का 700 है, लेकिन हमेशा हम लोग का 600 से 800 के बीच में होता है और आज भी उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। परिचय दीजिएगा। इंद्र अग्रवाल, पूर्वाध्यक्ष एशिया और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।